टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में पश्चिमी घाट के शोला स्काई द्वीप के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में साइंस डायरेक्ट पत्रिका में ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड्स यानी उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदानों के संबंध में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि पश्चिमी घाट के शोला स्काई आइलैंड्स यानी शोला स्काई द्वीपों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदानों में कमी आई है। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदानों में कमी के लिए शोला स्काई द्वीपों में बाहरी वृक्षों यानी एक्सोटिक ट्रीज जैसे बबूल, चीड़ और यूकलिप्टस के बढ़ते आवरण को जिम्मेदार माना गया है। आइए जानते हैं उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदानों के बारे में। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदान अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदान पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये घास के मैदान दुनिया के सभी घास के मैदानों का केवल 2% है। ये घास के मैदान वैश्विक कार्बन चक्र को संचालित करने और जल के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदानों को वन प्रबंधन योजनाओं के अंतर्गत बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके पीछे सरकार का यह मानना है कि उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदान राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। पिछले 44 सालों में पश्चिमी घाट में 23% उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदान बाहरी आक्रामक प्रजातियों के वृक्षों के आवरण में परिवर्तित हो गए हैं। पश्चिमी घाट के शोला जंगलों में ये घास के मैदान चारागाह और हाइड्रोड्रोलॉजिकल रिचार्ज में सहायता प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं शोला स्काई द्वीपों के बारे में। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं गहरी घाटियों से घिरी हुई हैं, जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं महासागरों के द्वीपों के समान दिखाई देती हैं। इन पर्वतों का निर्माण 150 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुए पश्चिमी घाट के अपलिफ्टमेंट के दौरान हुआ था। इस प्रकार पश्चिमी घाट में ऊंचे पर्वतों और शोला यानी वनों और घास के मैदानों की उत्पत्ति हुई, इसलिए इन्हें शोला स्काई द्वीप कहा जाता है। शोला स्काई द्वीपों में शामिल प्रमुख पहाड़ियां इस प्रकार है: बाबा बुदान हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, बानासुरा हिल्स, कैमल्स हम्प माउंटेन्स, चेम्बरा हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, पालनी हिल्स, हाईवेवीज पोनमुडी और अशाम्बू हिल्स। दुनिया भर में पश्चिमी घाट अपनी विशिष्ट जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदान पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। दूसरा, ये घास के मैदान दुनिया के सभी घास के मैदानों का केवल 2% है। तीसरा, बाबा बुदान हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, नीरगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और पालनी हिल्स आदि शोला स्काई द्वीपों में शामिल प्रमुख पहाड़ियां हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन या फिर डी एक दो और तीन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।